खबरें विस्तार से। बोर्ड परीक्षा में नकल पर प्रभावी तौर पर अंकुश लगाने के मकसद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अहम कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब जिस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे उस स्कूल में बोर्ड परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा। वह सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम पंचायतों को दिया गया है, जो ग्राम पंचायत बोर्ड को 31 अगस्त तक सीसीटीवी लगवाने की सहमति लिखित में देगी वही बोर्ड केंद्र बनाएगा। परीक्षा में नकल के तांडव से निपटने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब हाईटेक तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है। अब जिन गांवों के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। खासकर संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के मामले में तो बोर्ड किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है। बता दें कि हर बार बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल का तांडव देखा जाता है। जब उड़न दस्ते जाते हैं तो नकलची इधर उधर हो जाते हैं, मगर उड़न दस्तों के निकलते ही फिर वही हालात हो जाते हैं व परीक्षा की सुचिता प्रभावित होती है। इसलिए बोर्ड के द्वारा यह फैसला लिया गया है, क्योंकि विगत परीक्षा में 40 से अधिक परीक्षा केंद्र नकल के चलते तब्दील किए गए थे। इतने ही परीक्षा केंद्रों की परीक्षा भी बोर्ड के द्वारा रद्द की गई थी। वहीं 5000 से ज्यादा नकलची अनुचित साधन प्रयोग के कारण बोर्ड ने पकड़े थे। कमी थी या नीला वाली बत्ती जाती थी या कोई और वजह थी या सिस्टम इतना हाईटेक नहीं है? सिस्टम हाईटेक का विषय भी नहीं है। सिस्टम के परीक्षा लेट होती है सितंबर में, अभी भी ओपन के विद्यार्थी जैसे परीक्षा सितंबर में ही होगी। इनकी हमने सीबीएसई के अनुसार जैसे जल्दी लेते हैं ताकि किन्हीं विद्यार्थियों जो एक विषय में कंपार्टमेंट आया है वो कहीं एडमिशन ले सकें। कल 31 जुलाई आईटीआई और पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इस कारण से हमने 31 की बजाय 30 तारीख को रिजल्ट घोषित किया ताकि बालक जो आज रात को या कल अपना फॉर्म भर सके। 15 मार्च को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट आंशिक सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षा हुई थी, उसका परीक्षा परिणाम बोर्ड 15 दिन के अंदर अंदर घोषित कर रहा है। इस बार 10वीं कक्षा में 20,562 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 9,746 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 47.40 रही। 8,198 परीक्षार्थी दोबारा कंपार्टमेंट रही, 48.44 और लड़कियों का पास प्रतिशत 45.96 था। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में 58,693 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 28,832 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 49.12% रही। इसमें लड़कियों की पास प्रतिशत 51.50% और लड़कों की 47.81% रही।